जय हिंद बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के पेपर सेकंड के ऊपर जो बीए पार्ट थर्ड का है। ध्यान रहे इसमें दो चॉइस है आप लोग के पास, एक तो कल्चर से रिलेटेड है पूरा जो पेपर है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, भारतीय संस्कृति और विरासत। लेकिन चूँकि इसकी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप लोग शायद ज़्यादातर बच्चे कंटेम्प्रेरी इंडिया पढ़ रहे होंगे, मैं ये मान के चलता हूँ, और उसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जो है यहाँ देखने वाले हैं। खंड ए में जो है एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन हैं, ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। खंड बी में जो है 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं, और खंड सी में जो है 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं जो 4 में से करने हैं आपको। यदि हम लोग बात करें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पहली यूनिट की, तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर आप लोग भारतीय संविधान की का निर्माण जो हुआ है उसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी रही है इसको यहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़िए। यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, और एक प्रश्न जो बनता है वो है देशी रियासतों का भारतीय संघ में एकीकरण यानी इंटीग्रेशन, जो प्रिंसली काउंसिल्स थी उनका, और प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आई, और राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ। तो दो क्वेश्चन पहली यूनिट से बनते हैं, और इसके बाद जो है एक क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि भारतीय आंदोलन की जो विरासत है वो क्या रही है भारतीय इतिहास में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। यूनिट यदि हम लोग सेकंड के ऊपर डिस्कस करें तो ये पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है एग्रीकल्चर रिफॉर्म और भूदान मूवमेंट का, पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले टॉपिक से ही बनता है। इसके बाद जो है हम लोग बात करें तो औद्योगिकीकरण की जो नीतियां हैं वो कौन सी रही हैं, उसके कार्यक्रम और प्रकृति, एक प्रश्न यहाँ से बनता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी प्रोग्राम एंड प्रोग्रेस। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है बनता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण और उदारीकरण की प्रोसेस के ऊपर, यानी लिबरलाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक। तो तीन टॉपिक सेकंड यूनिट से बनते हैं जो इम्पोर्टेंट है। यदि हम लोग थर्ड यूनिट की बात करें तो मुख्य राजनीतिक दल और प्रजातंत्र में उनकी भूमिका, ये पहला क्वेश्चन, हालांकि ये हिस्ट्री का है, यदि ये आपको नहीं मिले तो पॉलिटिकल साइंस की बुक में देख लेना, वहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद भारतीय विदेश नीति के प्रमुख तत्व, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक मैंने इसको साझा भी किया हुआ है, आप लोग सर्च कीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक वीडियो के अंतर्गत। और इसके अलावा भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और सार्क, एक प्रश्न ये बनता है। यदि हम लोग बात करें चौथी यूनिट की, ये यूनिट अपने आप में वैसे देखा जाए तो बहुत इजी भी लगती है, जैसे भारत में जो है सोशल स्ट्रक्चर में परिवर्तन, उसकी चुनौतियां और समस्याएं कौन कौन सी हैं, पहला क्वेश्चन ये है। अब ये समस्याएं जो है ना, बेसिकली जो टॉपिक है ना बाकी, ये सारे ही इसकी समस्याओं के, पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, सांप्रदायिकता है, तो ये इतना ही बनेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो बनता है वो है भारत में सामाजिक आंदोलन में नारी, दलित और ओबीसी की भूमिका, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की भूमिका क्या है सामाजिक आंदोलन में, तो एक प्रश्न ये बनता है यहाँ से। यदि हम लोग पांचवी यूनिट की बात करें तो ये थोड़ा करंट अफेयर का सा टॉपिक है, दो ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक तो वर्तमान में साहित्य और जनसंचार मास मीडिया और लिटरेचर की चेंजिंग टेंडेंसी, एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, यानी साहित्य और संचार की बदलती हुई प्रवृत्तियाँ क्या है वर्तमान भारत की, और दूसरा प्रश्न यहाँ पर बनता है कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हमारी क्या उपलब्धियाँ जो है रही है विगत कुछ वर्षों में। आई थिंक आपको ये 1947 से ही देखनी चाहिए, 1947 से देख लेकर के अब तक, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए बनते हैं। यहाँ पर बुक यदि देखी जाए तो रिकमेंडेड बुक जो है बीके शर्मा और सेलवाला की समसामयिक भारत, हालांकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन मिल सकती है। एक बुक और है जो शायद आपको मिल जाएगी, वो है मैं नाम स्किप कर रहा हूँ, मैम है कोई, सज्जन पोसवाल मैडम की है,
शायद वहाँ से भी आपको काफ़ी टॉपिक जो है मिल जाएंगे इस बुक के। अदरवाइज़ गूगल से देख देख करके भी आप लोग पढ़ सकते हो। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।